हे फ्रेंड्स, वेलकम। हम लोग चेक कर रहे हैं आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है फ्रेंड्स, जनरल है, कलेक्टिव है। सभी जोडियक साइंस के लोग, सभी जेंडर, सभी रिलीजियन, सभी कास्ट के लोग इस रीडिंग को फ्रेंड्स ओपनली ओपन माइंड के साथ चेक कर सकते हैं। सो विदाउट मच फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड एस ऑफ वैंस, वाओ, मैं ये फील कर पा रही हूँ फ्रेंड्स कि आप में से बहुत सारे लोगों के क्रश आपकी तरफ आपसे भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। यस, इट्स ट्रू। आप समझते हैं कि वो आपके क्रश हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि आप उनके क्रश हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। 119, 28, 10, 5, 14, 23 नंबर एंड 6, 15, 24 नंबर, ये डेट्स आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हो सकती हैं। जेमिनी, लिब्रा, अक्वेरियस एंड टॉरस एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो मैं बात कर रही थी आपके क्रश की करंट फीलिंग्स के बारे में। यस, वो आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड हैं एंड उन्हें लगता है कि आप उनके क्रश हो, ठीक है। एंड उन्हें ये भी लगता है कि एक टाइम बाद आप दोनों की शादी हो जाएगी एंड आप दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, या फिर ये कनेक्शन शादी तक जा सकता है। उनके मन की फीलिंग्स तो ऐसी है कि ये बंदा, ये बंदी मुझे मिल जाए ना तो बस बात बन जाए। साथ ही में सिक्स ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज हैं। समटाइम मुझे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आता हुआ दिखाई देता है कि आपके क्रश को लगता है कि अभी उन्हें किसी रिश्ते से मूव ऑन होना है, या फिर अभी आपको किसी रिश्ते से मूव ऑन होना है, तो अभी उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो वो आपको दूर से देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन स्टिल ये सोचते हैं कि शादी तो होगी लेकिन अभी नहीं, अभी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, विद फ्लो चलना चाहते हैं। इसी वजह से वो चुप हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों से उनको या फिर आपको मूव ऑन करना है। वैसी वाइब्रेशंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। एंड वहीं कुछ लोगों के लिए ये भी वाइब्रेशन आ रही है कि अगर आप कहीं और मैरिड हो या फिर आपके क्रश कहीं और मैरिड हैं, तो उनका बाय हार्ट मन ये करता है कि आपको लेकर कहीं दूर ट्रैवल पे चले जाएं और वहाँ आपके साथ रोमांटिक जर्नी को शुरू करें। एंड वो आपको बहुत लाइक करते हैं, काफ़ी अट्रैक्टेड हैं टूवर्ड्स यू एंड बाय हार्ट चाहते हैं कि वो एक ऐसी जगह आपको ले जाएँ जहाँ आप दोनों को और लोग डिस्टर्ब ना करें, नेचर के पास, कहीं हिल एरियाज़ में, एंड वहाँ आप अपना रोमांटिक एंड पैशनेट टाइम बहुत ही अच्छे से स्पेंड करें। एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल हैं, आपके क्रश का काफ़ी अट्रैक्शन है टुवर्ड्स यू। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और कनेक्शन वो मैनिफेस्ट करते हैं आपके साथ, कहीं दूर जाकर आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, जहाँ आप दोनों की प्रीवेसी में, आपके रोमांटिक टाइम में, आप दोनों के एक दूसरे के साथ स्पेंड होने वाले टाइम में कोई भी इंटरफेयर ना करें। आप लोग नेचर के पास हो, और नेचर लवर हो भी सकता है आप लोग हो, हिल एरियाज़ के पास हो, समुद्र के पास हो, बीचेस पर हो, एंड वहाँ एक दूसरे की प्रेजेंस को, एक दूसरे के टच को, एक दूसरे के लव को, एक दूसरे की यू नो हार्ट टू हार्ट फीलिंग्स को अच्छे से कैच करो और अच्छे से फील कर पाओ। वैसे आपके क्रश की प्रेजेंट फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स यू। अगर मैं कुछ इम्पॉर्टेंट आपको बात करूँ कि लेटर्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो है यहाँ पर ए, डब्ल्यू, सी, डी, एस, ओ, ठीक है, टी, पी, एच, एन एंड ई, वी, आई, एक्स, ठीक है। ये जो हैं, सॉरी फ्रेंड्स, ये जो हैं आप लोगों के लिए, आपके लिए या फिर आपके क्रश के लिए इम्पॉर्टेंट इनिशियल्स हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिसकी डिटेल सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।